सो है गाइज, कैसे हो आप सब? आशा करते होंगे आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, एक भाई का कमेंट आया था कि आप देख सकते हैं उनके गर्लफ्रेंड द्वारा मतलब मैसेज किया गया था कि भाई सबकी बार आती है, डोली तू ही लाना इस सॉन्ग पे क्रिएट करने की वीडियो। सो गाइज, फाइनली इस भाई के सॉन्ग पे कहने पर ये वीडियो क्रिएट किया गया है जो कि आप देख। सो गाइज, चलिए इस वीडियो का प्रीव्यू देख लेते हैं, फिर मैं उसका फुल डिटेल देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलिए गाइज, वीडियो में बने रहिए, लेट्स गो। सो गाइस, फाइनली आपने जो प्रीवियस स्टेटस देखा, आप लोगों को ये स्टेटस कैसा लगा हमें एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके हर कमेंट से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। सो गाइस, फाइनली स्टेप के वीडियो एडिटिंग करने के लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है एलाइट मोशन। एलाइट मोशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, देन ये सारे फोटोज मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप वहाँ से ऐड कर सकते हो। और मेरे डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट की लिंक दी गई है, उस वेबसाइट से आपको सॉन्ग बिटमर प्रोजेक्ट और सिक इफेक्ट करके जो एक लिंक दी गई है, उन दोनों को आपको अपने एलाइट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर लेना है। देन क्या, चलिए हम अपना एलाइट मोशन प्रोजेक्ट को करते हैं ओपन। सो गाइज, ओपन करने के बाद हमारा एलाइट मोशन कुछ टाइप से ओपन होगा, देन प्रोजेक्ट पर हम लोग क्लिक करेंगे। सो गाइज, हमारे प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं, हमारे जो दोनों प्रोजेक्ट इंपोर्ट किए हैं कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट है और एक सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो सिंपली आपको सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। सो गाइज, यहाँ पर हमारा तीन ग्रुप्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इससे पहले हमारा कुछ इस टाइप से आपको ग्रुप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज, आपको क्या करना है कि इन सारे ग्रुप से पहले तुम्हारा तो आपको 1x1 के साइज में फोटो को क्रॉप करना है। देन आपको यहाँ पे तीन फोटोज़ के आसपास तकरीबन आपको 9x60 रेशियो में फोटोज़ को क्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ से हो जाते हैं बैक, देन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें 1x1 का रेशियो देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। देन गाइस, आपको यहाँ से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है, और उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से जिस फाइल में आपके फोटो हो। तो चलिए गाइस, मैं अपने फाइल को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ से फाइल में फोटो मतलब वहाँ पे आ जाने के बाद, उसके बाद क्या करना है कि आपका जहाँ पे भी फोटो आपको वहाँ पे सबसे पहले तो आ जाना है। सो गाइस, चलिए मैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा फोटो है मैं वहाँ पे पहले आ जाता हूँ। देन आपको क्या करना है कि 1x1 फोटोज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो गाइस, मैं 1x1 यहाँ पे क्लिक करूँगा फोटोज़ पे, जो राइट साइड में यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देंगे, ठीक है। मोमेंट ट्रांसफर में जाकर इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ से एडजस्ट करने के बाद सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे करंट फ्रेम इस पेज पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम इसे सेव कर लेंगे, ठीक है। सो गाइस, इसी तरह से करते हुए हमें 1x1 करके आपको 10 फोटो को इसी तरह से क्रॉप कर लेना है 1x1 के रेशियो में। तो चलिए गाइस, इसको हम लोग क्रॉप करते हैं और वीडियो करते हैं थोड़ा सा स्किप। सो फाइनली गाइस, आपको 1x1 के रेशियो में जो फोटोज को क्रिएट कर लोगे, तो सिंपली प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे साइज को बस 9x60 रेशियो में क्लिक करना है, देन यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो गाइस, यहाँ से हमें तीन फोटोज को और क्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, आप तीन फोटोज को और क्रॉप कर लेना, सेम प्रोसेस करना है आपको, फिल कंपोजिशन एरिया करके यहाँ पे करंट फ्रेम इस पीएनजी पे कर लेना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसको भी हम लोग करते हैं ऐड और वीडियो करते हैं थोड़ा सा स्किप। सो गाइस, सिंपली आपको सब फोटोज को क्रॉप कर लोगे तो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को हम लोग ओपन करेंगे। देन स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक ग्रुप एंड मास्क देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देन हमारे यहाँ पे एक इमेज करके लेयर देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, करंट फिल का ऑप्शन में जाएंगे, स्टार वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हमें जो 1x1 के रेशियो में फोटो को क्रॉप किया है, सिंपली हम इसे यहाँ पे उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो देन हमने जो फोटो को क्रॉप किया है 1x1 के रेशियो में, हमें उस फोटो को यहाँ पे सिंपली ऐड कर देना है। तो गाइस, देख सकते हो हमारा फोटो कितने अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। देन आपको यहाँ से हो जाना है बैक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला ग्रुप पे तो प्रोजेक्ट वाला काम कंप्लीट हो जाता है। देन आपको नेक्स्ट आपको ग्रुप इस टाइप से कुछ देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है कि 1x1 ग्रुप्स वाला जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 पे आपको सिंपली टैप करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पे तकरीबन 9 ग्रुप्स आपको और देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, आपको क्या करना है कि ग्रुप 1x1 करके एक एक ग्रुप पे क्लिक करना है, देन एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। और गाइस, यहाँ पे एक सीके एडिट्स लिखा हुआ है, मतलब मेरा चैनल का नाम है, और यहाँ पे आप उसी लेयर पे क्लिक करोगे, देन कलर एंड फिल का ऑप्शन में जाओगे, स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, और जो हमने 1x1 के रेशियो में फोटो को क्रॉप किया, सिंपली आपको यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, चलिए इसे हम लोग 1x1 करके ऐड करते हैं और वीडियो करते हैं थोड़ा सा स्किप। सो गाइस, यहाँ पे सारे ग्रुप्स पे आप जो फोटो को ऐड कर दो तो आपको हो जाना है यहाँ से बैक, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ग्रुप्स पे फोटो ऐड हो जाएगा, तो आपको कुछ
सो गाइस सारे ग्रुप्स पे फोटोज़ को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको एक वीडियो क्लिप ऐड करना है। उस वीडियो क्लिप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम से भी उस वीडियो क्लिप को ले सकते हो। ठीक है, तो गाइस मैं सिंपली उस वीडियो क्लिप पे अपने आ जाता हूँ। तो गाइस हमारा वो वीडियो क्लिप कुछ स्टेप्स आपको देखने को मिलेगा, तो हमारा वीडियो क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, जो हमारा आप देख सकते हैं वीडियो क्लिप यहाँ पे ऐड हो जाएगा नेक्स्ट बिट तक। देन हमें यहाँ पे आ जाना है जहाँ पे हमारा कुछ स्टेप्स का ग्रुप देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको एक इमेज कलर मतलब इमेज करके ग्रीन कलर का लेयर देखने को मिल जाता है। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है, कलर एंड फिल का ऑप्शन लेना है, स्टार वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ से अपने उस फाइल को सिलेक्ट करिएगा जिस फाइल में आपका फोटो वगैरह जो हमने क्रॉप किया था। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ से अपने फाइल को सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस फाइल में मैंने फोटोज़ को 9x60 के रेशियो में क्रॉप किया था। देन गाइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जो कि हमारे 9x60 के रेशियो में क्रॉप है। ठीक है, देन गाइस उसके बाद क्या करना है कि स्टेप से हमारा कुछ ग्रुप देखने को मिलेगा। तो गाइस सिंपली इस ग्रुप पे भी आपको क्लिक करना है, कलर एंड फिल का ऑप्शन है, स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा फिर से ये जो फोटो है वाला फाइल में खुल जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे फोटो पे ऐड कर देना है। देन हमारा इसके ऊपर एक ग्रुप देखने को मिलेगा, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी सेम फोटो को आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जो फोटो अभी हमने बैकग्राउंड में ऐड किया था वही ग्रुप के अंदर भी हमें ऐड करना है। तो चलिए गाइस हमारा ग्रुप के अंदर भी इस फोटो को हम करते हैं ऐड। सो गाइस हमारा वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रुप पे हमारा कितने अच्छे से यहाँ पे फोटो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस ग्रुप पे फोटो पे ऐड होने के बाद क्या करना है, सिंपली हमारा जो बीट आएगा उसके बाद आप वहाँ पे आपको प्लस वाला बटन पे क्लिक करके मीडिया में चले जाना है और यहाँ से अपने उस फाइल को सिलेक्ट करिएगा जिस फाइल में आपका फोटो हो। ठीक है, तो गाइस मैं फाइल में वाले फोटो पे अपने सेक्शन में आ जाता हूँ। देन आपको यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है कि वन बाय वन फोटोज़ पे क्लिक करना है। जो राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे करेंगे। देन नेक्स्ट बिट पर आके स्केच्ड पार्ट को आपको कट कर देना है। सो गाइस वन बाय वन करके इसी तरह हम लोग फोटोज़ को ऐड करते हैं और तब तक के लिए वीडियो करते हैं थोड़ा सा स्किप। सो गाइस सभी जगह फोटोज़ को ऐड करने के बाद सिंपली आपको हो जाना है यहाँ से बैक और हमारा जो सिक इफेक्ट प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। देन हमारा जो ये वाला इफेक्ट है आपको सिंपली इस इफेक्ट को यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो गाइस इफेक्ट को कॉपी करने के बाद सिंपली अपने सॉन्ग बिट मार्क प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। देन यहाँ पर तो हमारा ग्रुप एंड मास्क ही जो भी था यहाँ पर हम लोग का ग्रुप था ही, उसके बाद हमारा यहाँ पर एक वीडियो क्लिप था, वीडियो क्लिप को भी हम लोगों ने ऐड कर दिया। देन हमारा उसके बाद जो फोटो ऐड हो रहा था, ठीक है, ये सब ग्रुप के बाद जो जितना भी हमारे यहाँ पे फोटोज़ ऐड हुए हैं सारे फोटोज़ पे आपको क्लिक करना है, वन बाय वन इफेक्ट में जाके 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ठीक है, सो गाइस आपको इसी तरह से जितने भी यहाँ पे हमारे फोटोज़ ऐड हुए हैं सारे फोटोज़ पे ये वाला इफेक्ट को ऐड कर दोगे तो आपका स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। आपको क्या करना है कि ऊपर तीर वाला आइकन पर क्लिक करना है, देन वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है, वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। सो गाइस इसी तरह के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।